डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास नाइन्थ क्लास, जिसमें सोशल साइंस पार्ट हिस्ट्री एंड चैप्टर टू सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवोल्यूशंस, ये हमारा चल रहा था पार्ट। उसमें हमने जो टॉपिक पढ़े थे रशियन रिवोल्यूशंस में, द रशियन एम्पायर इन 1914, इकोनॉमी एंड सोसाइटी एंड सोशलिज्म इन यूरोप, इन टॉपिक्स के ऊपर हमने डिस्कशन किया था। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में हम इससे आगे जो टॉपिक है टर्बुलेंट टाइम, द 1905 रिवोल्यूशंस, 1905 की जो रिवोल्यूशंस हुई थी उसमें क्या क्या चेंजेज आए थे, क्या क्या उथल पुथल हुए थे, वो हम देखेंगे। टर्बुलेंट टाइम यानी उथल पुथल का समय, चेंजेज का टाइम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द रशियन एम्पायर। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, उस समय रशियन एम्पायर की क्या स्थिति थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय, वो भी हम देखेंगे आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में। तो चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, हम डिस्कस करते हैं। लेट अस सी टर्बुलेंट टाइम, द 1905 रिवोल्यूशंस, 1905 की जो रिवोल्यूशंस हुई थी उसको देख लेते हैं हम। रशिया वाज एन ऑटोक्रेसी, रशिया जो था वो ऑटोक्रेसी था, राजशाही था, राजा का शासन था। अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर्स, इवन एट द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द जार वाज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। तो अन्य जो यूरोपियन रूलर्स थे उनके विपरीत 20th सेंचुरी के शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। जार जो था वो कंट्रोल में नहीं था, किसके कंट्रोल में नहीं था, पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट के कंट्रोल में जो है वो नहीं था। कौन नहीं था? जार। लिबरल्स इन रशिया कैंपेन टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स, लिबरल्स ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर जो है मुहिम चलाई। टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज, दे वर्कड विद पीजेंट्स एंड वर्कर्स ड्यूरिंग द रिवोल्यूशंस ऑफ 1905 टू डिमांड ए कॉन्स्टिट्यूशंस। लिबरल्स ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर क्रांति के दौरान कॉन्स्टिट्यूशंस की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और सोशल रिवोल्यूशनरीज को साथ लेकर पीजेंट्स एंड वर्कर्स के बीच काफी काम किया। दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट इन पोलैंड फॉर इंस्टेंस, एंड इन मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज बाय जदीदीज हु वांटेड मॉडर्नाइज इस्लाम टू लेड देयर सोसाइटीज। इसके अलावा रूसी साम्राज्य के तहत उन्होंने जो नेशनलिस्ट थे जैसे पोलैंड में, और इस्लाम के मॉडर्नाइजेशन के लिए जो सपोर्टर थे जदीदिया, मुस्लिम बहुल इलाकों में होते थे, उनका भी उन्होंने सपोर्ट किया। एंड इन मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज जदीदीज हु वांटेड मॉडर्नाइज इस्लाम टू लेड देयर सोसाइटीज, तो वो भी जो है उनकी सोसाइटीज का मॉडर्नाइजेशन करना चाहते थे, तो उनका भी उन्होंने सपोर्ट किया। द ईयर 1905 वॉज पार्टिक्यूलरली बैड वन फॉर रशियन वर्कर्स। रशियन वर्कर्स के लिए जो 1904 का जो ईयर था वो बहुत बैड था।
प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली दैट रियल वेजेज डिक्लाइंड बाय 20%। तो प्राइसेस जो थी एसेंशियल गुड्स की वो काफी तेजी से बढ़ रही थी एंड रियल वेजेज डिक्लाइंड बाय 20%। जो रियल वेजेस था, जो वेतन था, उसमें 20% का डिक्लाइन हुआ। द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली, और उसी समय मजदूर संगठनों की जो मेंबरशिप थी उसमें भी तेजी आ रही थी। यानी जो एसोसिएशन थे, वर्कर्स एसोसिएशन, उनकी जो मेंबरशिप थी उसमें भी रोज ड्रामेटिकली, यानी ड्रामेटिकली उसमें जो है ग्रोथ हो रही थी। When four members of the assembly of Russian workers, which had been formed in 1904, were dismissed at the Putilov iron works, तो जब 1905 में एक एसोसिएशन थी असेंबली ऑफ रशियन वर्क्स, उसके चार मेंबर्स को प्यूतिलोव आयरन वर्क्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया, तो मजदूरों ने जो है मूवमेंट्स छेड़ने का निश्चय कर लिया। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, और अगले कुछ दिनों के भीतर 11 लाख वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट टू स्ट्राइक डिमांडिंग ए रिडक्शन इन द वर्किंग डे टू 8 आवर्स, एन इंक्रीज इन वेजेज एंड इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशंस। तो अगले नेक्स्ट फ्यू डेज में सेंट पीटर्सबर्ग के 11 लाख से ज़्यादा जो वर्कर्स थे, उन्होंने एक तो काम के घंटे जो थे उसमें रिडक्शन के लिए वेतन वृद्धि और जो वर्किंग कंडीशंस थी उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए उन्होंने स्ट्राइक कर दी। व्हेन द प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स लेड बाय फादर गैपॉन रीच्ड द विंटर पैलेस, इट वाज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड द कोसैक्स। इसी दौरान एक पादरी था गैपॉन, उसके लीडरशिप में वर्कर्स का एक जुलूस विंटर पैलेस से विंटर पैलेस के सामने पहुंचा, तो उन्होंने पुलिस और कोसैक्स इन्होंने जो है मजदूरों पर अटैक कर दिया। पुलिस एंड कोसैक्स ने वर्कर्स के ऊपर अटैक कर दिया जब वो विंटर पैलेस के सामने से गुजरे। ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड अबाउट 300 वाउंडेड। 100 वर्कर्स किल्ड एंड 300 वर्कर्स जो थे वो घायल हुए। द इंसिडेंट नॉन एज ब्लडी संडे, तो इस इंसिडेंट को ब्लडी संडे के नाम से जाना गया। इतिहास में ये जो घटना थी, ये घटना खूनी रविवार के नाम से जानी जाती है, ब्लडी संडे के नाम से जो है ये जानी जाती है। स्टार्टेड ए सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट बिकेम नॉन एज द 1905 रिवोल्यूशंस। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी इंसिडेंट से हो गई थी। स्ट्राइक्स टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द कंट्री स्ट्राइक्स की गई, सारे देश में हड़ताल होने लगी। एंड यूनिवर्सिटीज क्लोज्ड डाउन व्हेन स्टूडेंट्स बॉडीज स्टेक वॉकआउट्स, और इसके अलावा विद्यार्थियों ने जो है कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया। तो जो यूनिवर्सिटीज थी वो भी क्लोज डाउन होने लगी। यूनिवर्सिटीज क्लोज डाउन व्हेन स्टूडेंट्स बॉडीज टेक वॉकआउट कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज। जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थियों ने अपनी कक्षाओं का बहिष्कार किया, तो जो यूनिवर्सिटीज थी वो भी क्लोज डाउन कर दी गई। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स एस्टेब्लिश्ड द यूनियन ऑफ यूनियन।
इन्होंने यूनियन ऑफ यूनियंस को एस्टैब्लिश किया, जिसमें कौन थे, लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे एंड अदर मिडिल क्लास थे, उन्होंने मिलकर एस्टैब्लिश किया द यूनियन ऑफ यूनियंस एंड डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गठन की मांग की, संविधान सभा के गठन की उन्होंने मांग की, इन्होंने की लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की। ड्यूरिंग द 1905 रिवोल्यूशंस, 1905 रिवोल्यूशंस के दौरान द जार अलाउ द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा। 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद, जिसको हम ड्यूमा भी कह सकते हैं, ड्यूमा के गठन को अलाउ कर दिया। फॉर अ ब्रीफ वाइल ड्यूरिंग द रिवोल्यूशंस, क्रांति के कुछ समय तक देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड फैक्ट्री कमिटीज मेड अप ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियंस एंड फैक्ट्री कमेटीज अस्तित्व में रही। आफ्टर 1905 मोस्ट कमेटीज एंड यूनियंस वर्कड अनऑफिशियली। 1905 के बाद ऐसी ज्यादातर जो कमेटीज थी, जो यूनियंस थी, वो अनअधिकृत रूप से जो है काम करने लगी। Unofficially worked since they were declared illegal. उन्हें क्योंकि उन्हें illegal घोषित कर दिया गया था। Several restrictions were placed on political activities. Political activities पर भारी पाबंदियां लगा दी गई। The JAR dismissed the first Duma. JAR ने जो पहली ड्यूमा थी उसको बर्खास्त कर दिया 75 डेज एंड द री इलेक्टेड सेकंड ड्यूमा विद इन 3 मंथ्स। जो पहली ड्यूमा थी उसको मात्र 75 डेज में उसको बर्खास्त कर दिया, और पुनर्निर्वाचित जो दूसरी ड्यूमा थी उसको 3 मंथ्स में उसको भी उसने बर्खास्त कर दिया, डिसमिस कर दिया। ही डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी। वो किसी तरह की क्वेश्चनिंग या अपनी सत्ता के ऊपर किसी तरह का जो है अंकुश नहीं चाहता था। He changed the voting laws. उसने वोटिंग लॉज में चेंजेज किया एंड पैक्ड द थर्ड ड्यूमा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस, और तीसरी ड्यूमा में रूढ़ीवादी नेताओं को इंक्लूड कर दिया। लिबरल्स एंड रिवोल्यूशनरीज वर केप्ट आउट। और इसके अलावा जो उदारवादी थे और जो क्रांतिकारी थे उनको बाहर रखा गया, वर केप्ट आउट। नेक्स्ट है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर, पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। इन 1914 वार ब्रोक आउट बिटवीन टू यूरोपियन अलायंसेस। जैसा कि आप जानते ही हो 1914 में जो टू यूरोपियन अलायंसेस थी, जो गठबंधन थे, उनके बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट। जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड तुर्की द सेंट्रल पावर्स, इनको सेंट्रल पावर्स में रखा गया, ये सेंट्रल पावर्स में थे। यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, इनका एक अलग गुट था, इनका एक अलग पार्ट था, एक अलग खेमा था, जिसको सेंट्रल पावर्स कहा गया। और इसके अलावा एंड फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, ये दूसरे पार्ट में थे, इनका दूसरा गुट था, और लेटर इटली एंड रोमानिया भी इसमें शामिल हो गए। ईच कंट्री हैड अ ग्लोबल एम्पायर एंड द वार वाज फॉट आउटसाइड। इन सभी देशों के पास
जो वैश्विक विशाल वैश्विक साम्राज्य थे और ये जो युद्ध लड़ा गया था वार वाज फॉट आउटसाइड आउटसाइड में भी ये लड़ा गया था, यूरोप में तो लड़ा गया लेकिन इसके साथ साथ फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था ये यूरोप से बाहर भी लड़ा गया, यूरोप एज वेल एज इन यूरोप दिस वार द फर्स्ट वर्ल्ड वार, और इसी को फर्स्ट वर्ल्ड वार कहा जाता है। इन रशिया, रशिया में क्या कंडीशन थी इस 1914 का जो वार हुआ था उस समय रशिया में क्या कंडीशन थी। इन रशिया द वार वाज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रैलीड अराउंड जार निकोलस द्वितीय। इस युद्ध को शुरू शुरू में रूसियों का काफी सपोर्ट मिला और जनता ने जार का सपोर्ट किया। एज अ वार कंटिन्यूड, लेकिन जैसे जैसे वार चलता रहा, वार युद्ध जो है लंबा चलता रहा, दो द जार रिफ्यूज्ड टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन द ड्यूमा। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खींचता गया जार ने ड्यूमा में मौजूद मेन पार्टी से सलाह लेना उसने छोड़ दिया। सपोर्ट वॉर थिन और उसके प्रति जन समर्थन भी कम होने लगा। एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स रैन हाई। इसके अलावा जर्मनी विरोधी भावनाएं जो है वो भी क्या होने लगी, रैन हाई, ज्यादा बलवती होने लगी। एज कैन बी सीन इन द रीनेमिंग ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग ए जर्मन नेम एज पेट्रोग्रेड। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्रेड कर दिया गया, पेट्रोग्राद जो है उसका नाम रख दिया गया, न्यू नेम। द जरीना एलेक्जेंडर्स जर्मन ओरिजिन्स एंड पुअर एडवाइजर्स स्पेशली ए मॉन्क कॉल्ड रास्पुटिन मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर। इसके अलावा जर्मिना एलेक्जेंड्रा के जर्मन मूल का होने और उसका जो एडवाइजर था खास तौर से रास्पुटिन, उस रास्पुटिन ने ऑटोक्रेसी जो थी उसको अनपॉपुलर कर दिया। द फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफर्ड फ्रॉम दैट ऑन द वेस्टर्न पॉइंट। प्रथम विश्व युद्ध पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई से वेस्टर्न फ्रंट पर जो लड़ाई चल रही थी उससे अलग था, यानी दोनों फ्रंट पर जो ये वर्ल्ड वार था उसमें डिफरेंस था। ईस्टर्न फ्रंट डिफरेंट था लड़ाई में वेस्टर्न फ्रंट से। इन द वेस्ट, पश्चिम में आर्मीज फॉट फ्रॉम ट्रेंचेज स्ट्रेच अलोंग ईस्टर्न फ्रांस। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई कर रहे थे। इन द ईस्ट, और पूर्व में क्या था, एंड द ईस्ट आर्मीज मूव्ड अ गुड डील एंड फॉट बैटल्स लिविंग लार्ज कैजुअलिटीज। जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफी बड़ा फासला तय कर लिया था। डिफीट्स वर शॉकिंग एंड डीमोरेलाइजिंग। इस मोर्चे पर बहुत सारे श्रमिक जो थे वो मर चुके थे, सेना की पराजय से रूसियों का मनोबल भी जो है कम हो गया था। रशियाज आर्मीज लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 एंड 1916। 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को पराजय का सामना करना पड़ा। देयर वर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटीज बाय 1970s। 1917 तक 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। एज द रिट्रीटेड द रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लाइव ऑफ द लैंड। इसके अलावा पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में जो
फील्ड पढ़ रहे थे, रास्ते में जो फसल इमारतें जो आ रही थी उनको नष्ट कर डाला, और दुश्मन की सेना को वहां पर उन्होंने टिकने नहीं दिया। द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स लेड टू ओवर 3 मिलियंस रिफकीज इन रशिया। फसलों और इमारतों के विनाश के कारण रूस में 30 लाख से ज्यादा रिफकीज हो गए। रिफकीज का मतलब शरणार्थी, जो शरण में आते हैं, जिनको आश्रय की जरूरत होती है, जिनके लिए व्यवस्था करनी पड़ती है, उनको हम रिफकीज बोलते हैं, शरणार्थी। तो इसके कारण डिस्ट्रक्शंस के कारण, कि कौन सा डिस्ट्रक्शन, क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स, क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स का जो डिस्ट्रक्शन हुआ था उसके कारण 3 मिलियन रिफकीज इन रशिया, रशिया में 3 मिलियन रिफकीज हो गए थे। द सिचुएशन डिसक्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द जार। इन हालात में सरकार और जार दोनों अनपॉपुलर हो गए थे। द सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच ए वार। सोल्जर्स भी वार से तंग आ चुके थे, वो इस प्रकार का युद्ध नहीं करना चाहते थे। द वार आल्सो हैड अ सेवरल इंपैक्ट ऑन इंडस्ट्री। और युद्ध से इंडस्ट्री के ऊपर भी बैड इंपैक्ट पड़ा। रशियाज ऑन इंडस्ट्रीज वर फ्यू इन नंबर्स। अगर हम रशिया की बात करें तो यहाँ रशिया में इंडस्ट्रीज बहुत कम थी, एंड द कंट्री वाज कट ऑफ फ्रॉम अदर सप्लाईज ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बाय जर्मन कंट्रोल ऑफ द बाल्टिक सी। इसके अलावा अब तो बाहर से मिलने वाली जो सप्लाई थी वो भी बंद हो गई, क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उसके ऊपर कब्जा हो चुका था। किसका कब्जा हो चुका था? जर्मनी का। जर्मनी का बाल्टिक सागर के ऊपर जो है कब्जा हो चुका था, इसलिए जो इंडस्ट्रियल गुड्स आ रही थी वो भी, उसकी सप्लाई बंद हो गई। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिस इंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया देन एल्सवेयर इन यूरोप। और यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज्यादा तेजी से बेकार होने लगे। बाई 1916 रेलवे लाइन्स बिगेन टू ब्रेक डाउन। 1916 तक जो रेलवे लाइन्स थी वो भी ब्रोक डाउन, टूटने लगी। एबल बॉडीड मैन वर कॉल्ड अप टू द वार। और जो अच्छी सेहत वाले जो मैन थे, एबल बॉडीड, जिनकी बॉडी अच्छी थी, एबल बॉडीड थे, एबल बॉडीड मैन को कॉल अप किया गया वार के लिए, उनको बुलाया गया। एज ए रिजल्ट देयर वर लेबर स्टोरेज शॉर्टेज। इसका परिणाम क्या हुआ? देयर वर लेबर शॉर्टेज एंड स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग एसेंशियल वर शट डाउन। इसका परिणाम ये हुआ कि देश भर में मजदूरों की कमी होने लगी, और जरूरी सामान बनाने वाली जो छोटी छोटी वर्कशॉप थी वो शट डाउन हो गई। लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वर सेंट टू फीड द आर्मी। इसके अलावा अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए भेजा जाने लगा। जो ग्रेन था वर सेंट, भेजा जाने लगा टू फीड द आर्मी, आर्मी के फीड के लिए ग्रेन को सप्लाई किया जाने लगा। फॉर द पीपल इन द सिटीज, और शहरों में रहने वालों के लिए क्या हुआ? ब्रेड एंड फ्लोर बिकम स्कर्स। जो ब्रेड थी, जो फ्लोर था, उसका स्कर्स हो गया, उसकी कमी हो गई। बाय द विंटर ऑफ 1916, 1916 की सर्दियों में रायॉट्स एट ब्रेड शॉप्स वर कॉमन। और 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर जो है रायॉट्स होने लगे, दंगे होने लगे।